हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है पिछले सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टडी किया था जिसके अंदर हमने मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये स्टडी किए थे बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया गया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी प्लीज़ चेक कीजिएगा तो इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर का एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछा जा आता है शॉर्ट uh, नोट से ज्यादा मुझे लगता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन uh, होते हैं उसके लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो वही आज हम देखने वाले हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा पिछले सेशन का एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि आज का ये टॉपिक समझने में आसानी हो हम देखेंगे वॉट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओके तो देखिए सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ज डिफाइंड इट हैज कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोम और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट देखिए वन ट्वेंटी सिक्स सेक्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से डील करता है देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि क्या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप प्रामिस करते हो थर्ड uh, पर्सन की लाइबिलिटी को पूरी करने के लिए अगर थर्ड पर्सन है और अगर उसने उसकी लाइबिलिटी पूरी करने से मना कर दिया या फिर वो डिफ़ॉल्ट कर गया अगर उसने अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं की अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो उसके बदले में क्या करोगे आप आप उसका जो भी जो भी लाइबिलिटी है वो पूरी करोगे क्योंकि यहाँ आपने क्या दी है गारंटी दी है ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखिए ये वर्ड हम यूजली भी बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि मेरा दोस्त है इसकी गारंटी मैं देता हूँ चल चल अगर इसने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं मैं इसकी गारंटी लेता हूँ ये पे कर देगा अगर नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा तो यही है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि अगर थर्ड पर्सन ने नहीं पे किया थर्ड पर्सन ने अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं की तो उसके बदले में कौन करेगा हम करेंगे क्योंकि हमने उसकी गारंटी दी हुई है तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो देखिए इस पार्टी मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसके अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर श्योरिटी कौन है श्योरिटी वो इंसान होगा जो गारंटी दे रहा है ठीक है जैसे कि मैं मैंने अपनी दोस्त की गारंटी दी तो मैं हो गई श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज़ डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन प्रिंसिपल डेटर वो है जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं जिसकी हम गारंटी दे रहे हैं यानी कि यहाँ पे जो मेरा दोस्त है वो क्या हुआ प्रिंसिपल डेटर हुआ क्रेडिटर टू हुम द गारंटी इज गिवन क्रेडिटर वो होगा जिसे हम गारंटी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं ए ने क्या किया दस हज़ार का लोन दे दिया है बी को ठीक है तो यहाँ पर वो लोन चुकाने की जिम्मेदारी किसकी हुई बी की लेकिन अगर बी वो लोन नहीं चुकाता है तो यहाँ पे सी ने उसकी गारंटी दी है कि अगर बी ने आपका लोन नहीं चुकाया तो मैं चुका दूँगा तो यहाँ पे सी कौन है शोरिटी है बी कौन है प्रिंसिपल डेटर है जिसकी हमने गारंटी दी है और क्रेडिटर कौन है जिसे हमने गारंटी दी है जिसने लोन दिया है ए क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिटर हो गया तो ये है तीन पार्टीज ये हमने पिछले वीडियो में बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छे से समझा है तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं आज का हमारा ये पॉइंट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लायबिलिटी तो श्योरिटी की लायबिलिटी का नेचर क्या है कितने हद तक शॉरिटी की लायबिलिटी होती है श्योरिटी की लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है कब ख़त्म होती है तो इन सभी चीज़ों को अभी डिस्कस करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट को एक्सटेंसिव ठीक है देखिए सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द नेचर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन किससे डील करता है तो नेचर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी से डील करता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटा अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंसिव यानी कि इक्वल प्रिंसिपल डेटर की जितनी लायबिलिटी है शॉरिटी की भी उतनी ही लायबिलिटी होगी प्रिंसिपल डेटर से ज़्यादा शॉरिटी की लायबिलिटी नहीं हो सकती है जितनी को लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की बैठती है उतनी ही लायबिलिटी किसकी होगी श्योरिटी की होगी शॉरिटी इज़ लायबल फॉर द होल ऑफ़ द अमाउंट फॉर विच द प्रिंसिपल डेटर इज़ लायबल जितनी अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है उतने ही अमाउंट के लिए क्या होगा शॉरिटी लायबल होगा सो so, नेक्स्ट ज लाइबिलिटी इज एट इक्वल विध प्रिपल डेटर लाइबिलिटी इट इज ना इधर मोर नॉरलेस ना ज्यादा होगी न कम होगी जितनी जो स्टेप जो पोजिशन पे प्रिंसिपल डेटर है उसी स्टेप उसी पोजिशन पर क्या रहेगा श्योरिटी रहेगा इक्वल लाइबिलिटी रहेगी दोनों की ओके अब देखिए दूसरा शॉरिटी इज राइट टू लिमिट इज लाइबिलिटी श्योरिटी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी लाइबिलिटी किसी हद तक लिमिट कर सकता है देखिए मैं आपको समझाती हूँ ऑल दो द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ही मे लिमिट हिज लाइबिलिटी हाँ श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव है इक्वल है प्रिंसिपल डेटर के साथ लेकिन क्या कर सकता है श्योरिटी के पास ये राइट right है कि वो अपनी लाइबिलिटी किसी हद तक लिमिट कर सकता है जैसे कि देखिए ही मे एक्सप्रेसली डिक्लेयर हीज गारंटी टू बी लिमिटेड टू बी अ लिमिटेडिक्सड अमाउंट एक किसी पर्टिकुलर एक किसी फिक्स्ड अमाउंट तक वो अपनी लाइब्रिटी को क्या कर सकता है लिमिट कर सकता है यह अधिकार है उसके पास जैसे कि अभी हमने लिया ए किस हजार का लोन लिया है बी को और उसे गारंटी दी है सी ने तो यहाँ पे सी के पास यह राइट right है सी सी के कह सकता है ए को जो क्रेडिटर है कि दस हजार की लाइब्रिटी है लेकिन उसमें से पांच हजार तक की गारंटी मैं दे सकता हूँ ठीक है क्योंकि अगर डिफॉल्ट कर गया बी तो क्या होगा पाँच हज़ार तक के रुपए में तुम्हें दूंगा तो ऐसे सी के पास जो श्योरिटी है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी लाइबिलिटी को कहीं ना कहीं किसी हद तक लिमिट कर सकता है इन अदर वर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी कैन बी मेड लेस बाय अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो आप किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करके कम कर सकते हो लेकिन शॉरिटी की जो लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती एक तो इक्वल या कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके तुम कम कर लो ओके okay? अब आगे देखते हैं देखिए शॉरिटीज़ लाइब्रिटी अराइजेज इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटा शॉरिटी की लाइब्रिटी कब अराइज़ होगी इमीडिएटली प्रिंसिपल डेटर अगर डिफ़ॉल्ट कर गया देने से अपनी लाइब्रिटी पूरी करने से तो इसकी लाइब्रिटी शुरू हो जाती है देखिए श्योरिटीज़ लाइब्रिटी इज सेकेंड्री एंड नॉट प्राइमरी पहले तो श्योरिटी की लाइब्रिटी है सेकेंडरी है भाई साहब प्राइमरी नहीं है पहला तो अधिकार किसका है कि प्रिंसिपल डेटर अपना अपना जो भी कर्ज है अपना अपना जो भी लोन है ठीक है उसकी जो लाइबिलिटी है वो पूरा कर दे तो सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी हाँ अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो सेकेंडरी श्योरिटी की लाइबिलिटी है तो श्योरिटी इज लाइबिलिटी अराइजेज इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर ही कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे अनलेस द प्रिंसिपल डेटर हैज कमिटेड द डिफॉल्ट हो ठीक है प्रिंसिपल डेटर जब तक कुछ डिफॉल्ट नहीं करता तब तक आप श्योरिटी को ऐसे पे करने के लिए बुला नहीं सकते हो पहले डिफॉल्ट तो होने दो डिफॉल्ट होने के बाद अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर रहा है तो आप श्योरिटी को बुलाओ तो ये है चौथा देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट द श्योरिटी बिफोर एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मे फुट फॉरवर्ड सम कंडीशन प्रेसिडेंट टू हिज लाइबिलिटी वेर इन ही वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल अनटिल अनलेस सच अ कंडीशन इज़ फुलफिल्ड द श्योरिटी शॉरिटी नॉट बी हेल्ड लाइबल यानी कि श्योरिटी क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले किसी तरह की कंडीशन भी अगर वो चाहे तो रख सकता है कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती मैं लाइबल नहीं होंगे मैं गारंटी नहीं दे रहा भाई साहब तो ऐसे क्या कर सकता है श्योरिटी किसी कंडीशन को अगर वो चाहे तो वो रख सकता है। पांचवा देखिए, रेमेडीज अगेंस्ट द डेटा अब इसका मतलब क्या है आप समझ जाओगे देखिए वेर द लाइबिलिटीट नॉट बी कंपेल्ड टू एग्जॉस्ट हिज रेमेडीज अगेंस्ट द डेटा फर्स्ट टू बी एबल और टू डू बी अ

वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी लायबिलिटी है मतलब प्रिंसिपल डेटर के बाद में उसके डिफ़ॉल्ट के बाद में श्योरिटी की लायबिलिटी है तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्रेडिटर है वो पहला जो है वो प्रिंसिपल डेटर के साथ ही लायबिलिटी वसूल करनी शुरू कर दे एक बार डिफ़ॉल्ट हो गया अब ये क्रेडिटर के हाथ में है अब ये क्रेडिटर के मतलब उसके मन के अकॉर्डिंग है कि वो चाहे तो पहले बिना प्रिंसिपल डेटर के पास जाते श्योरिटी से ही उसकी जो लाइबिलिटी है वो वसूल करना शुरू कर दे ठीक है द क्रेडिटर कैन सी द श्योरिटी फॉर द डिफॉल्ट मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर विदाउट फर्दरिंग एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डेटर फर्स्ट ठीक है प्रिंसिपल डेटर की ये जिम्मेदारी है सही है आ, पहला मतलब प्राइमरी जो है वो लाइबल है लेकिन यहाँ पे क्या है डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्रेडिटर अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकता है वो चाहे तो बिना प्रिंसिपल डेटर के पास जाए श्योरिटी uh, से जो है लाइबिलिटी पहले उसके पास जाकर वसूल करने की कोशिश कर सकता है अब आगे देखते हैं डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज ऑफ इज लाइबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर अ सिचुएशन वेर इन द प्रिंसिपल डेटर इज डेड प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी है उतनी ही लाइबिलिटी किसकी होती है श्योरिटी की होती है को एक्सटेंसिव है सिमिलर पोजीशन पर है पर जब अगर प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाए तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा लाइबिलिटी से वो फ्री नहीं होता यहाँ पर ठीक है प्रिंसिपल डेटर अगर मर भी गया डेथ भी हो गई उसकी तो भी क्या होगा श्योरिटी लायबल होगा प्रिंसिपल डेटर की बजाय उसे उसके सारे पैसे उसका जो भी लोन है जो भी उसकी लायबिलिटी थी वो उसे पे करनी पड़ेगी अब देखिए ये जो मैंने अभी सिक्स बताया आपको ये इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लाइबिलिटी के क्वेश्चन uh, में अब ये जो बाकी के मैं और जो बताने वाली हूँ आपको चार ये भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं लेकिन जो फर्स्ट सिक्स मैंने बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अब देखिए सेवेंथ वाला क्या है प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी इज़ रिड्यूज देखिए अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी किसी तरह से रिड्यूस हो गई है फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या क्रेडिटर की मेहरबानी की वजह से अगर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी अगर रिड्यूस हो गई है तो सेम कोएक्सटेंसिव है श्योरिटी भी तो उसी तरह से श्योरिटी की लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी ओके देखिए है एट्थ पॉइंट देखिए इफ़ द प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय इीगैलिटी अगर प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है इ लिगैलिटी के साथ जैसे कि आप समझ लीजिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही इ है या कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है ठीक है या फिर जो लाइबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की वो भी वॉइड है या इलीगल है तो सिमिलर वे में जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी वो भी वॉइड आबिनिश्यो ही होगी वो भी इलीगल मानी जाएगी या वॉइड मानी जाएगी ठीक है यहां पे ना प्रिंसिपल डेटर को सो किया जा सकता है और ना ही श्योरिटी को अब देखिए नाइन्थ पॉइंट इफ द प्रिंसिपल डेटर हैपन्स टू तो बी अ माइनर अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है ठीक है अगर आपने किसी माइनर को लोन दिया है और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि माइनर आपका वापस लोन पे कर दे तो भाई साहब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल जाने वाला है क्योंकि पहले तो माइनर है नाबालिग है उसे समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है ठीक है अगर उसने लोन ले भी लिया है खर्चा भी कर दिया है और अगर आप वो रीपे नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि क्या है प्रिंसिपल डेटर यहाँ पर अगर माइनर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो चुका है आप इनिशो कॉन्ट्रैक्ट है आप वॉइड ऐसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो ठीक है तो अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का ये वापस रीपे करने को सवाल ही पैदा नहीं होता तो सिमिलर थिंग में जो श्योरिटी है वो भी इस लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा उसकी भी क्या हो जाएगी लाइबिलिटी बच जाएगी मतलब वो भी बच जाएगा इससे ओके टेंथ देखिए लाइबिलिटी ऑफ कोशॉरिटी लाइबिलिटी ऑफ कोशोरिटी यानी कि देखिए अगर श्योरिटी एक से ज़्यादा है समझ लीजिए ठीक है एक किसी डील में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटीज़ दो हैं तीन हैं समझ लीजिए तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या जैसे कि मैंने कहा अगर क्रेडिटर को दया आ गई तो अगर वो किसी एक श्योरिटी की लाइबिलिटी से उसे डिस्चार्ज कर देता है एक श्योरिटी को माफ़ कर देता है कि भाई तू बाहर हो जाए इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ना डिस्चार्ज कर देता है वो तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की जो श्योरिटीज़ हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर एक श्योरिटी को डिस्चार्ज किया तो बस वो उत, उसके पुरता उसके उसके उतना ही ये मर्यादित रहेगा बाकी के जो है वो ये नहीं होंगे लाए वो लाइबल ही रहेंगे वो डिस्चार्ज नहीं होंगे तो ये है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लाएबलिटी हो गया ओके तो चलिए आप आगे देखते हैं तो अभी हमने सेवन्थ पॉइंट देख लिया एर्थ पॉइंट देख लिया नाइन्थ पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया है और टेंथ पॉइंट भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है तो इस तरह से आ, ये हैं हमारे आ, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोशोरिटीज़ लाइब्रेटी आई होप आपको समझ आया होगा आ, आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इससे हमें समझ में आ गया है हाँ हम कह सकते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे कह सकते हैं कि पहले किसी को भी किसी की भी श्योरिटी बनने से पहले किसी को भी गारंटी देने से पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा दस बार सोच लीजिएगा कि आपको उसका गारंटर बनना है या नहीं आपको उसकी श्योर मतलब देनी है या नहीं श्योरिटी क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो चाहे प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो या चाहे कुछ भी हो कहीं ना कहीं घूम फिर के क्या हो जाता है श्योरिटी पर वो आ ही जाता है ठीक है आप उस लाइबिल लाइबिलिटी से बच नहीं सकते ये मेहरबानी वगैरह से कोई क्रेडिटर करता नहीं है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले या श्योरिटी बनने से पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा अच्छा लगा होगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा थैंक यू वेरी मच